हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ बाजरे और मूंग दाल की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसे सर्दियों में खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाएं। तो चलिए बनाते हैं। हमने यहाँ 1 गिलास बाजरा लिया है, जिसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से भिगो लेंगे। अब हाथ की हेल्प से इसको अच्छे से मस लेंगे, ताकि इसके ऊपर की जो परत होती है वो निकल जाए, जिससे ये और ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसको अच्छे से फटकार लें, जिससे इसका जो छिलके होते हैं वो निकल जाएंगे इस तरह से। अब इसको एक बर्तन में डाल देंगे और इसके अंदर फिर से हम 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। 1/4 कप से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना ही पानी डालना है। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। पर इस प्रोसेस के बीच में हम इसको 2 से 3 बार उलट पुलट जरूर करेंगे। अगर गर्मियों का टाइम है तो इसे 1 घंटे के लिए ही रेस्ट पे दें, क्योंकि बाजरी इससे खट्टी हो सकती है, इसका टेस्ट खराब हो सकता है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। सर्दियों में आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं, पर गर्मियों में 1 घंटा। हमने इसको 2 से 3 बार उलट पुलट कर दिया है। 3 से 4 घंटे बाद में हम फिर से इसको चेक करेंगे, अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे और उंगली के अंदर इसको डालकर हम इसको कूट लेंगे। आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, इसको एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही इसको कूटना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप हमारे चैनल की और बाकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें, या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अच्छी तरह से कूट जाने के बाद में इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और इसके अंदर जो गांठे हैं इसको भी हम हाथ की हेल्प से अच्छे से खोल लेंगे, ताकि ये बनने में आसानी हो तब बनाएं, जब इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़े। इसको अच्छी तरह से देखो, हमने कूट लिया है। अब 1 गिलास मोठ दाल लेंगे, ये धुली हुई नहीं है, छिलके वाली है। हमने वही गिलास यूज़ में लिया है जिससे हमने बाजरे का नाप लिया था, और इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर में 5 गिलास पानी डालेंगे, ये वही गिलास है जिससे हमने बाजरे और मोठ का नाप लिया था। 5 गिलास पानी डालने के बाद में कुकर को हम गैस पे चढ़ा देंगे और इस पानी को एकदम से अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म होने के बाद में ही इसके अंदर हम बाजरे का मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें, वरना इसके अंदर गुठलियाँ पड़ सकती। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स वालों के साथ जरूर शेयर करें। खुद भी बनाएं और सभी को जरूर खिलाएं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जितना घी डालेंगे। घी अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। उसे 2 मिनट के लिए फुल आंच पे इसको पकने देंगे। 2 मिनट बाद में इसको अच्छे से फिर से मिक्स करके गैस को लो कर देंगे और ऊपर से इसको ढक कर 2 मिनट के लिए फिर से हम इसको पकाएंगे। 2 मिनट बाद में गैस को फुल कर देंगे और इसको 5 सीटी आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे, उसकी हवा अपने आप निकलने देंगे। अच्छी तरह से हवा निकलने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लें। लो जी, हमारी मोठ दाल और बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप इसे खूब सारे घी के साथ और कढ़ी के साथ, या आप मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे गुड़ के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स वालों के साथ जरूर शेयर करें। खुद भी बनाएं और सभी को जरूर खिलाएं। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।